हेलो ट्वेल्थ क्लास, वी आर हियर ऑन चैप्टर नंबर 8, रीजनल एस्पिरेशंस। वेल, इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट पंजाब, द स्टेट वेयर वी सॉ दैट हाउ इंसर्जेंसी टुक प्लेस, हाउ मिलिटेंट एक्टिविटीज इंक्रीज्ड, हाउ द साइकिल ऑफ वायलेंस वेंट इन जून 1984 टू काउंटरैक्ट with these militant activities, Operation Blue Star, which was a code name for army action in the Golden Temple that took place. And as I told you that in this operation, government was successful to flush out the militants from that holy place, holy shrine, Golden Temple, Amritsar. But this act jo tha that damaged the historical temple also, number one. Then it deeply hurt the sentiments of the Sikh, number two. Then the large proportion of the Sikhs India as well as abroad, they saw that this particular military operation jo Golden Temple mein hua tha, it is an attack on our faith. सो उसका रिजल्ट क्या हुआ, दे बिकेम, उनके जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे वो और ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए, और ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ जो थी दे टुक एन अदर टर्न, ठीक है। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1984 को द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी, शी वॉज असैसिनेटेड। And who were the persons to kill her? Her own bodyguards, Sikh bodyguards. ये दोनों assassinate जिन्होंने किया था, जिन्होंने इंदिरा गांधी को kill किया था, they were Sikhs. And by doing so, they wanted to take the revenge of that Blue Star operation. See the situation. ठीक है, पूरा कंट्री तो दूसरे तरीके से शॉक में था, पर जो कंट्री में, कंट्री की कैपिटल में, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में जो वायलेंस था आफ्टर दिस हैपनिंग ऑफ असैसिनेशन ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी, दैट वाज टू वायलेंट, रायट्स शुरू हो गए थे, वायलेंस अगेंस्ट सिक्स दैट टुक प्लेस, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये रॉयट्स चलते हैं एंड मोर देन 2006 वर किल्ड इन द इन दिल्ली ओनली, इन नेशनल कैपिटल ओनली, एंड द एरियाज विच वर वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस, ये सारे एरियाज, मैनी पार्ट्स, कानपुर, बोकारो, मतलब एवरीवेयर द सिक्स वर ऑन द टारगेट। मैनी सिख फैमिलीज लॉस्ट देयर मेल मेंबर्स, मतलब मेल मेंबर्स को टारगेट करके मार दिया जा रहा था, एंड दस द सफरिंग्स जो थी वो दोनों तरफ से थी, ग्रेट इमोशनल लॉस था उनका, फाइनेंशियल लॉस था फैमिली में मेल मेंबर्स, ठीक है। तो मतलब इतना ये लाइमलाइट में रहा था ये जो रॉयट्स हुए थे, आज तक उस लोग जो हैं, उसके जो सफरर्स हैं, आज तक उस दिन को याद करके आंसू बहाते हैं। और सबसे ज़्यादा दैट हर्ट्स द सिख वाज दैट द गवर्नमेंट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो रॉयट्स हो शुरू हो गए थे, सो गवर्नमेंट टुक टू लॉन्ग टू ब्रिंग द नॉर्मेलिसी। कितने दिनों तक ये, ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये रॉयट्स चलते रहे, एंड यू नो ड्यू टू दीज रॉयट्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, ही हैड टू एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर दीज किलिंग्स इन द पार्लियामेंट, एंड ही अपोलोजाइज द नेशन फॉर दीज एंटी सिख वायलेंस। इतना वायलेंस हुआ था, जस्ट दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ दैट ब्लू स्टार ऑपरेशन ओनली। They assassinated Indira Gandhi, and because they were Sikhs, the feeling, the emotion of the country went against the Sikhs. Now they were targeted. So such a huge problem जो थी वो पंजाब ने और सिक्स ने और all over India, not only in India, abroad also, they suffered. Now if we talk about कि how this situation was overcome, so he has given the explanation under the heading Road to Peace.
1984 में आफ्टर द डेथ ऑफ मिसिस गांधी, राजीव गांधी जो थे हिज हर सन एल्डर सन, वो जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो 1985 में ही रीच, जुलाई 1985 में ही रीच्ड एन एग्रीमेंट, उसको लोंगोवाल राजीव गांधी का आपस में दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड बोलते हैं उसको, या पंजाब अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं हम उसको, ठीक है। उस अकॉर्ड में इन्होंने किन किन इश्यूज़ के ऊपर दे एग्रीड अपॉन, नंबर वन चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, वन थिंग। सेकेंड, सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। थर्ड, ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी ब्यास वाटर, ठीक है, जो वाटर डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने की भी यहाँ पे ही बात की गई। ट्रिब्यूनल विल बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी ब्यास वाटर अमंग पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, क्लियर। देन व्हाट नेक्स्ट दे डिसाइडेड, दे एग्रीड इट आल्सो प्रोवाइडेड, ये जो अकॉर्ड था दैट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंपेंसेशन टू एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द मिलिट्री इन पंजाब and the withdrawal of the application of armed forces special power act in the Punjab, ये सारी conditions जो थी, सागरेर agreements जो थे वो उस राजीव गांधी लोंगोवाल accord में या पंजाब accord जिसको कहते हैं उसमें लिए गए। पर फिर भी the cycle of violence continued over a decade, militancy, insurgency, violence, ये पुलिस और उसके साथ हमेशा continuously किसी ना किसी तरीके से चलता ही रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, वहाँ पे नॉर्मल इलेक्टोरल जो सिस्टम था, प्रोसेस था, वो सस्पेंड हो चुका था वहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज हाउ बाय द एंड ऑफ द डे विद दिस अकॉर्ड जो था, थोड़ी सी नॉर्मेलिसी पंजाब में देखने को मिली। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट एरिया वेयर दे हैड देयर ओन रीजनल एस्पिरेशन, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ योर कंट्री। ओके, थैंक यू।